चन्नी राव के घर के सामने इसने दो साइकिल वालों को टक्कर मारी। एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे भरे थे, क्या घटना थी, कितने सागर के रहली में बाईपास चौराहे पर तेज रफ्तार स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 40 बच्चे सवार थे, जिसमें 14 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद सभी बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर पवन नशे में तेज रफ्तार में बस चल रहा था। बच्चों ने मना भी किया, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर नहीं माना। बाईपास चौराहे के आगे बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस पेड़ से टकराते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने बस से बच्चों को नीचे उतरा और 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें रहली स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां इलाज के बाद उन्हें सागर रेफर किया गया है। कहाँ पढ़ते हैं आप? क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल। क्या घटना घटी है? बस स्कूल से आ रही थी, पहले इसने वो पुल पड़ता है चन्नी राव के घर के सामने, इसने दो साइकिल वालों को टक्कर मारी। बस ओवर स्पीड में इसने पकड़ी, बाईपास तक में मत देने की, दोनों साइड से बड़े वाहन आ रहे थे। फिर इसने जाके, हम बस के ओनर सोनी जी को फोन लगा रहे थे कि बस मत देने कर रहा है, ये बहुत तेज चला रहा, तो हम फोन लगा ही पा रहे थे कि इसने जाके पेड़ में मार दी। बस दो बच्चे जो आगे बैठे थे उनको ज़्यादा लगी है, सबको लगी है। पवन पटेल ड्राइवर का नाम है, हमें यहाँ लगी है, पैर में लगी। और बस में लगभग कितने बच्चे सवार थे? 50 के ऊपर बच्चे थे बस में। 50। आज एक दुर्घटना हुई है, एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे भरे थे, क्या घटना थी, कितने बच्चे घायल हुए? ये क्राइस्टचर्च स्कूल से लौटते समय एक बस की दुर्घटना हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राइमा फेसी करीब 40 बच्चे इसमें सवार थे और पेड़ से टक्कर होने से बच्चों को चोट पहुंची है। सभी बच्चों को जो है प्राथमिक उपचार दिया गया है। एहतियातन रूप से 14 बच्चों को हमने BMC जिला अस्पताल रेफर किया है, ताकि इनका उचित तरीके से इलाज हो सके। और पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि बच्चों को जो है सही तरीके से इलाज मिल जाए, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। ड्राइवर और अन्य बिंदुओं पे भी पुलिस जांच कर रही है, इसमें जितनी भी लापरवाही सामने आती है उस पर कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जाएगी। कितने बच्चे घायल हुए टोटल? अभी प्राइमा फेस से 21 बच्चे जिला अपने क्लिनिक पर पहुंचे थे, उसमें से 14 को हमने रेफर किया है, बाकी बच्चों को छुटपुट चोटें हैं जिनको घर पहुंचा दिया है। अभी तक देखने में आए स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा है, ना बच्चों की सुनी है। देखिए, इसमें स्कूल प्रबंधन की भी दायित्व तो होता है, उस पहलू पे भी हम जांच करेंगे। यदि उनकी तरफ से भी निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया है तो उन पर भी हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। स्कूल की तरफ से अगर बस को परमिट नहीं दिया गया, अगर कोई अनुबंध नहीं है, तो स्कूल पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा हूँ कि उन सभी पहलुओं की हम जाँच करेंगे और उनमें थोड़ी सी भी उनकी लापरवाही आती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में भी देखने में आया है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है, इसमें 14 बच्चे घायल हुए, लेकिन बच्चों को उठाने के लिए हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रेचर नहीं था। देखिए, अब तहसील स्तर का जो अस्पताल है उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका होना आवश्यक है। यदि इस पहलू में भी कोई कमी पाई जाती है तो उसका भी मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा, और कमी बेशी पाई जाती है तो संबंधितों को इस बारे में निर्देश दिया जाएगा, उनको पूरा कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग स्कूल से आ रहे थे, ये स्कूल से आके मेरी बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इसने दुर्गा जी में चन्नी राव रहते हुए इसने दो साइकिल वालों में बस मारी। सब लोग कह रहे थे मद्दी चलाओ मद्दी चलाओ बाईपास पे, इसने मद्दी नहीं करी, बाईपास पे दोनों साइड से बड़े वाहन आ रहे थे, फिर इसने जाके सीधे पेड़ में दी। रुक, आपने मना किया था उसको? सब लोग ने मना किया था, हम बस के मालिक सोनी जी को फोन लगा रहे थे। ड्रिंक विंक भी किया थे वो? ये लग रहा था, है भी नहीं था अच्छी।